इज वेलकम बैक टू ब्लॉग एंड आज का ब्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है अपने यूजुअल ब्लॉग से आज के ब्लॉग में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ जो नदरलैंड है वहाँ पे जो ओल्ड एज है जो बूढ़े लोग हैं उनका कैसे ख्याल रखा जाता है एंड हाउ मच सपोर्ट जो ना गवर्नमेंट है उनसे बूढ़े लोगों को मिलता है वी को डिस्कस दिस So, drink done? Yeah, drink, drink. तो yeah, मैं Netherlands में छ साल से ऊपर से रह रहा हूँ एंड uh, लगभग छह साल से हम लोग पापा को हमारे साथ रख रह रहे हैं एंड एक चीज में आई थिंक एक्सपीरियंस के साथ में कह सकता हूँ कि Netherlands इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज टू ग्रो old. अब एक्सप्लेन करने तो कई लोग बोलेंगे कि नहीं है ऐसा है वो कि भाई एक चीज़ जो बोली जाती है यूरोपियन कंट्री उसके बारे में कंट्रीज के बारे में कि लोग ध्यान नहीं रखते अपने पेरेंट्स का एंड दैट उसको साइड में रख दो मैं वो नहीं कह रहा देखो वो पर्सनल डिसीजन होता है कई बच्चे अपने पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं कई बच्चे नहीं रखते हैं वो एक पर्सनल डिसीजन है बट जो कंट्री है एज एन कंट्री उसमें जो सपोर्ट दिया जाता है अपने जो ओल्ड रिटायरी लोगों को वो बहुत ही बढ़िया है इज वन ऑफ द बेस्ट अब देखो जैसे हम हमारे पापा का ध्यान रखते हैं हमारे घर में रखते हैं दैट्स आवर डिसीजन यू नो दैट्स आवर डिसीजन बट उसके लिए हमको क्या क्या सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम वो चीजें सही कर सकें हम जिस उनको एक अच्छी लाइफ दे सकें वो जो सपोर्ट है ना बहुत ही अच्छा है लाइक दिस like ये है पिताजी के लिए कोलेप्सबो व्हील चेयर ये स्पेशली ये कुशन है बैग कुशन है जो स्पेशली बूढ़े लोगों के लिए बना हुआ है जो बैठते हैं जो बिकॉज बूढ़े लोगों की चर्बी नहीं होती तो दर्द होता है उनको बैठने में तो ये उनके लिए स्पेशली है एंड दिस ऑल ये सब कुछ हमको गवर्नमेंट की तरफ से लोन पे मिलता है हमको मिला मीन्स एलिसा के फादर को मिला हुआ है अभी तो हमने उसको रिटर्न कर दिया बट उनके पास में स्कूटर था पहले क्योंकि जब वो अराउंड नाइन्टी के हो गए थे तो घूम फिर नहीं पा रहे थे तो आप गवर्नमेंट से आस्क कर सकते हो कि तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ मैं घूम फिर नहीं पा रहा हूँ तो गवर्नमेंट आपको लोन पे स्कूटर देती है इलेक्ट्रिक स्कूटर जो लगभग चालीस से पचास किलोमीटर उसकी रेंज होती है एंड आप उसको चार्ज में लगाओ एंड उसको लेके आप बाहर जा सकते हो और उसकी कीमत अगर आपको खुद को चुकानी पड़े तो लगभग लगभग पाँच से सात लाख के आसपास है अगर आप खुद खरीदना चाहो एंड दैट्स लॉट ऑफ मनी स्पेशली जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए अगर आपने सेविंग्स नहीं करी है तो प्लस अगर आप जैसे आप सत्तर के हो जाते हो तो यहाँ पे सेवेंटी ईयर ओल्ड है जो एज रिटायर होने की सत्तर पे होते हो तो आपको एक मिनिमम अमाउंट एज ए रिटायरी मिलता है अदर देन दैट जैसे अगर आप नौकरिया करते हो तो वो आप पेंशन बिल्डअप करते हो जैसे अपने सरकारी नौकरी में लोग करते हैं इंडिया में मींस आपने पूरी लाइफ रिस्क रिस्क खेला एंड आप बिल्ड नहीं करे आपने कोई पेंशन बिल्डअप नहीं करी स्टिल वो अमाउंट आप मिनिमम अमाउंट आपको मिलेगा तो यहाँ पे जो रेंट्स वगैरह होते हैं ना वो आपकी इनकम के बेस पे होते हैं तो जैसे आपकी इनकम कम है तो इस करके आपको बहुत कम चुकाने पड़ेंगे आपकी इनकम ज़्यादा है तो सेम हाउस के लिए आपको तीन गुना तक चुकाने पड़ सकते हैं अब ये जो पूरा सिस्टम हमारे घर में ऐड हुआ है ये ऊपर जाने तक का ये जो इसको लिफ्ट बोलते हैं ट्रैप लिफ्ट बोलते हैं इसको स्टेयर लिफ्ट ये अगर हम खुद की तरफ से करवाते तो कम से कम अगेन आठ आगे से दस लाख का और खर्चा होता दिस इज़ ऑल्सो फ्राम गवर्नमेंट एंड ये है अभी पिताजी का जो एलिशा का फादर है उनका बेडिंग सेटअप ये एकदम जो हॉस्पिटल बेड होता है उसी तरह का बेड है विथ ये मूविंग चेयर जो खाना खाने के लिए ये ऊपर नीचे भी हो जाती है अगर वो खावला मान लो बिस्तर पर बैठ के खा रहे हैं तो ये ऊपर होके एडजस्ट हो जाती है एंड ये चेयर अगर मान लो उनसे खड़ा हुआ नहीं जा रहा है या वो नीचे नहीं जा पाएंगे तो यहाँ पे भी कर सकते हैं सो दैट्स गिवन एंड ये बेड जो है वो हर तरीके तरीके से एडजस्टेबल है मतलब सर की तरफ से इधर से ऊपर नीचे पैर ऊपर नीचे एंड द पूरा बेड भी काफ़ी ऊपर तक आ जाता है एंड इस पर यह हैंडल लगा हुआ है कि जैसे नीचे सो रहे हो बैठने के लिए अगर हैंडल पकड़ के आराम से ऊपर खींच के अपने आप को ऊपर उठा सकते हो काफ़ी ज़्यादा जो इनकम टैक्स है पे करते हैं नैदरलैंड में यहाँ पे जो इनकम टैक्स है वो बहुत ही हाई है बट उसी हिसाब से जो सुविधाएं भी हैं वो भी बहुत अच्छी है यहाँ पे yeah, पापा yeah. पापा <laughs> hmm? <laughs> 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 so, भी बोल रहे थे जैसे हमको यूजली वो इतने इमोशनल नहीं होते लेकिन अभी बोल रहे थे कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों मेरी जिंदगी में और मेरा ध्यान रख रहे हो यूजअली लोग यहाँ पे जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स को बुढ़े जो वर्धा आश्रम है उनमें डाल देते हैं छोड़ देते हैं फिर वीकेंड पे कभी जाके देख लिया बट इनकी हम घर पे ध्यान रख रहे हैं तो so, इनको नॉन स्टॉप जो ज़रूरत रहती है हमारी नॉन स्टॉप हमको ध्यान रखना पड़ता है हमारी जो पर्सनल जो गोल्स हैं जो पर्सनल आपके जो करियर है और कुछ है तो उसको आपको थोड़ा साइड में रखना पड़ता है आपको फैमिली की तरफ जाना पड़ता है एंड मोस्टली लोग यहाँ पे वो चूज़ नहीं करते लोग पर्सनली ज़्यादातर लोग अपना या खुद का करियर खुद की सक्सेस वो चूज करते हैं सो so, मैं इस वीडियो में जैसे यही दिखाना चाहता था कि सिस्टम से बहुत सपोर्ट है समटाइम्स बस लोग कम पड़ जाते हैं आई डोंट नो हाउ दिस को टर्नस आउट मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में तब तो तक के लिए खमा गणी राम राम